संपूर्ण देशभर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते. त्याचप्रमाणे भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर शहरामध्ये सुद्धा प्रसिद्ध असलेल्या राधाकृष्ण मंदिरामध्ये कृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं. कोरोनाचा प्रभाव पाहता कमी गर्दी करत हा जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर शहरामध्ये असलेल्या प्राचीन राधाकृष्ण मंदिरामध्ये सकाळपासूनच भाविकांनी गर्दी केली. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर शहर कुबेर नगरी म्हणून परिचित आहे. येथील राधाकृष्ण मंदिराची ख्याती तितकीच प्रसिद्धही आहे. या मंदिराची स्थापना 1952 मध्ये नंदलालजी शर्मा यांनी केली. या ठिकाणी स्थापित राधाकृष्णांची मूर्ती खास जयपूरवरून आणण्यात आली आहे. या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे या मंदिरात गौशाळा असून देखरेख मंदिर प्रशासन करते. मंदिरात कृष्ण जन्माष्टमी शिवाय श्रावण पर्व, अन्नकूट आणि भव्य शोभायात्रेचं आयोजन देखील होतं. ये गौशाला मंदिर जो है ये काफ़ी पुराना है. यानी मैं जब से होश में आई हूँ तब से तो मैं देख रही हूँ, अभी मेरी भी उम्र 50 की हो गई है. और गौ माताओं के बीच में ये गौशाला मंदिर है. ये पूरे तुमसर तहसील में कहीं भी ऐसी मंदिर है नहीं, पूरे भंडारा ज़िले में नहीं है. और बहुत शक्ति है. और नंद उत्सव तो बहुत मनाया जाता है. यहाँ हर शनिवार को भजन होता है. हर त्यौहार बार पर हर कार्यक्रम होते हैं. भजन मंडलों का कार्यक्रम होते रहता है. साथ में नंद उत्सव भी मनाया जाता है. अभी ये आएगा, क्या बोलते हैं, वामन एकादशी का भी प्रोग्राम होगा, वो भी धूमधाम से मनाया जाएगा. बाजे गाजे से यहाँ से भगवान को ले जाया जाएगा. बहुत शक्ति के साथ में कार्यक्रम होता है और भक्तों की बहुत आस्था है. और रात को 12 बजे इतना उत्सव होगा यहाँ पे नंद भगवान का, भगवान कृष्ण का, कि यानी जनता पब्लिक मान नहीं सकती, इतना उत्सव होता है. और भगवान का जन्मदिन बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या पर्वावर मंदिरामध्ये 3 दिवस विविध अनुष्ठान, भजन, कीर्तन, जन्मोत्सव आदी कार्यक्रम साजरे करण्यात आले. शिवाय शेवटच्या दिवशी शोभायात्रा काढून समस्त शहरवासियांना गोपाल काल्याचे वाटपही करण्यात आले. दरम्यान 3 दिवसात या मंदिरात जिल्ह्यातील इतर ठिकाणाहून भाविक श्रीकृष्ण दर्शनासाठी आवर्जून येत असतात. श्री नरसिंहदास जी मोरो ने 1952 में बनवाया था और इसमें पूरा सहयोग हमारे पिताजी का रहा था, श्री नन्नाल जी शर्मा, इन्हों का पूरा सहयोग था. उसके बाद से मंदिर करीबन 1910 तक के पिताजी ने संभाला और उससे पहले से ही मैं भी इन्वॉल्व हो गया मंदिर में. और जब से भगवान की सेवा कर रहा हूँ कोई चीज़ की कमी नहीं है. और इतनी शक्ति है यहाँ भगवान के पास में बहुत ज़्यादा. आपने जो मांगा वो आपका काम पूरा होना है. भगवान की बहुत ज़्यादा शक्ति है. यहाँ ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं, चोरों ने चोरी किया पर यहाँ से कुछ ले जा नहीं सका. 5 बार चोरी हुई यहाँ पे. और कभी गलती से हम भगवान की बंसरी भूल गए तो रात में, एक बार तो ऐसा हो गया पिताजी बंसरी लगाना भूल गए तो रात को करीबन 1 बजे भगवान की बंसरी नीचे गिरी और पता पूरे मंदिर के लाइट चालू हो गया अचानक. पिताजी बोले क्या हो गया, आके देखते तो बंसरी गिरी हुई है. फिर बंसरी लगाए बाद में चालू किया. ऐसे एक बार गर्मी के समय में पंखा चलाना भूल गए तो रात को करीबन 1:30 बजे ऐसे पूरे लाइट चालू हुए. पिताजी आए दौड़ते, क्या हुआ मंदिर में, चोर तो नहीं घुसे, देखते तो भगवान का पंखा बंद था. पंखा चालू किए फिर आराम से सोए. इतनी शक्ति है. और जो जिसने मांगा वो पूरा हुआ. बच्चों की नज़र उतारना है भगवान की बंसरी से पूरा काम हो जाता है. उसकी नज़र उतर जाती है, कोई बीमारी रही कुछ रही सब गोल हो जाता है. बहुत शक्ति है हमारे भगवान की. जन्मोत्सव बहुत जोरदार इसमें मनाया जाता है, एकदम जोरदार. अभी आज ही रात को 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा. उसके बाद में कल नंद उत्सव होगा, मटकी फोड़ी जाएगी और हजारों लोग रहते हैं तादाद में. एकदम बहुत जोरदार होता है.
और दूसरी बात, ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मंदिर आपको देखने के लिए ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। चारों तरफ गौ माता और बीच में श्री कृष्ण भगवान, पूरे महाराष्ट्र में मथुरा वृंदावन में भी आपको ऐसा मंदिर देखने नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी खासियत है भैया इस मंदिर की। न्यूज 15 मराठी किशोर गडकरी भंडारा। मानव चैतन्य को हिंसा से शांति की ओर ले जाने के लिए 9 से 15 अगस्त तक चलने वाला है वैश्विक ध्यान उत्सव एकम विश्व शांति उत्सव। विश्व शांति के लिए लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे। शांतिपूर्ण चैतन्य और विश्व शांति में योगदान करने के लिए 7 दिनों के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9121163894।